Welcome students of class 7th. Today we will start chapter 4. Name hai heat and temperature. Of your science subject. Book hai ye let's learn science ki book for class 7th. एजुकार्ट पब्लिशर है. नाउ वी विल कम टू आवर टॉपिक चैप्टर 4 हीट एंड टेम्परेचर. फर्स्टली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, की पॉइंट्स क्या हैं. फर्स्ट हम हीट एंड टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज हीट और व्हाट इज टेम्परेचर. इंट्रोडक्शन अबाउट चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर. सेकेंड टेम्परेचर के स्केल्स पढ़ेंगे कि आप टेम्परेचर को किस स्केल पर डिनोट करते हैं. फॉरेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन आपने सुना होगा. तो टेम्परेचर के स्केल्स होते हैं ये, जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे. थर्ड है थर्मोमीटर्स. सभी को पता होगा टेम्परेचर फाइंड करने के लिए थर्मोमीटर इक्विपमेंट है जो यूज किया जाता है टेम्परेचर के लिए, थर्मोमीटर्स. नाउ फोर्थ पॉइंट इज इफेक्ट्स ऑफ हीट. किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी लिक्विड पर आप अगर हम हीट देते हैं किसी भी सॉलिड को, लिक्विड को, तो उसका इफेक्ट क्या होगा हीट का, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, इफेक्ट्स ऑफ हीट. एंड नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ट्रांसफर ऑफ हीट. हीट का ट्रांसफर किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कैसे होता है, क्या इफेक्ट होगा, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इसके बाद समटाइम्स इट इज टू हॉट एंड समटाइम्स इट इज टू कोल्ड. हम सभी को पता है कभी गर्मी बहुत ज्यादा होती है, कभी सर्दी बहुत ज्यादा होती है. सिमिलरली आप कोई भी लिक्विड ले लीजिए, अभी हम उसको गर्म करेंगे देन वो हॉट होगा और आफ्टर सम टाइम वो कोल्ड भी होगा. ये पेज नंबर है 40 ऑफ योर साइंस बुक. व्हाट इज इट मेक्स ए डिफरेंस बिटवीन ए कोल्ड एंड हॉट ऑब्जेक्ट. डिफरेंस क्या होता है कि हम किससे डिनोट करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ठंडा है या ये ऑब्जेक्ट गर्म है. हॉट और कोल्ड को आप कैसे डिनोट करोगे. इट इज द लेवल ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट. हम जो हॉट या कोल्ड की बात करते हैं वो कुछ नहीं होता, वो एक लेवल होता है टेम्परेचर का. अगर टेम्परेचर जितना हाई होगा वो उतना ही हॉट होगा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जो, और अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं देन कोल्ड होगा. इन समर्स वी फील द टेम्परेचर राइजिंग अप वेयर एज इन विंटर द टेम्परेचर डिप्स डाउन. तो समर में टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है गर्मी उतनी ज्यादा होती है. सिमिलरली विंटर्स में टेम्परेचर जितना कम होता है सर्दी उतनी ही ज्यादा होती है. व्हाइल सफरिंग फ्रॉम फीवर आवर बॉडी टेम्परेचर राइजेस. अगर हम कोई भी एनीवन सफर कर रहा है फीवर से, उसको बुखार है, देन उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा है. इट इज ऑल अबाउट हीट एंड टेम्परेचर. तो ये सब जो गर्म ठंडा जो भी है, समर विंटर, ये सब किसके बारे में है, हीट एंड टेम्परेचर के बारे में. वी फील हॉट इन समर्स एंड एवरीथिंग अराउंड अस लुक्स एंड फील्स हॉट. हमें गर्मी लगती है समर में और हमें अपने आसपास की जितनी भी चीजें होंगी नॉर्मली आपको वो नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा गर्म मिलेंगी इन समर्स. बट इन विंटर्स वी फील कोल्ड. और सिमिलरली विंटर्स का जो टाइम आता है तो हमें कोल्ड फील होती है और जो ऑब्जेक्ट्स आपको इस टाइम टच करने पर थोड़े से हॉट लगेंगे वो उस टाइम पर कोल्ड लगते हैं. एंड एवरीथिंग अराउंड अस लुक्स एंड फील्स कोल्ड. वी कैन आइडेंटिफाई ए थिंग एज हॉट और कोल्ड बाय टचिंग इट. अब हमें हॉट या कोल्ड, ठंडा है गर्म है, कैसे पता लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, बाय टचिंग. बट इज द आइडेंटिफिकेशन बाय दिस मेथड ऑफ टच ऑलवेज करेक्ट. क्या किसी भी ऑब्जेक्ट का हीट या टेम्परेचर पता करने का जो तरीका है बाय टचिंग ऑलवेज करेक्ट होता है. लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सिंपल एक्टिविटी. तो ये आप एक्टिविटी है जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे. क्या एक्टिविटी है, आइडेंटिफाई करना है कोल्ड या हॉट ऑब्जेक्ट्स को बाय टचिंग. मटेरियल क्या क्या चाहिए आपको, 3 ग्लासेस ऑफ वाटर. आप 3 ग्लास में वाटर लेंगे, कंटेनिंग एक में आप आइस कोल्ड वाटर, बिल्कुल आइस वाटर लेंगे, सेकेंड में हॉट वाटर एंड थर्ड नॉर्मल वाटर जो अपना नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है. इसके बाद आपको क्या करना है, टेक 3 ग्लासेस, तीनों ग्लास लेने हैं. फिल द फर्स्ट ग्लास विथ हॉट वाटर एंड मेक श्योर
दैट द वॉटर इज नॉट टू हॉट बिकॉज इट मे बर्न योर हैंड, क्योंकि हम ये एक्टिविटी बाय टचिंग करने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल हॉट वाटर नहीं लेना है, आपको नॉर्मल से ज्यादा टेम्परेचर वाला पानी लेना है, थोड़ा सा बॉइलिंग विथ द सेकेंड ग्लास विथ कोल्ड वाटर एंड टेक इक्वल क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल वाटर इन द थर्ड ग्लास. आपको तीनों ग्लासों में जो वाटर लेना है, हॉट कोल्ड एंड नॉर्मल, इनकी क्वांटिटी आपको वाटर की इक्वल रखनी है. डिप योर फिंगर इन ईच ऑफ द ग्लासेस फिल्ड विथ हॉट एंड कोल्ड वाटर एंड कीप इट डिप्ड फॉर 3 to 4 minutes. आपको तीनों ग्लासेस में अपनी फिंगर को डिप करना है. Now take out your finger and dip them together in the glass containing normal water. आप पहले hot से normal water में लेके जाना अपनी finger को, then cold से normal में. Observation क्या होगा? You will feel that the finger dipped in hot water will feel the normal water as cool. अगर आप hot में, आपने hot water में पहले अपनी finger dip की हुई है, इसके बाद आप अपनी finger normal water में dip करेंगे, तो आपको normal water as compared to hot water आपको cold लगेगा. सिमिलरली जब आप कोल्ड वाटर में, जो आइस वाटर है उसमें अपनी फिंगर डिप करेंगे और उसके बाद नॉर्मल वाटर में डिप करेंगे, तो आपको कोल्ड वाटर से कंपेरेटिवली आपको नॉर्मल वाटर हॉट लगेगा. तो ये कंपेयर का मामला है. अगर आप नॉर्मल वाटर को हॉट वाटर से कंपेयर करेंगे तो वहां हॉट वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है, वो आपको गर्म लगेगा, और नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर कम है तो वो आपको ठंडा लगेगा. और अगर आप नॉर्मल वाटर को कोल्ड वाटर से कंपेयर करेंगे आइस वाटर से, तो आइस वाटर का टेम्परेचर कम है तो वो आपको ठंडा लगेगा और नॉर्मल वाटर आपको थोड़ा सा गर्म लगेगा. इसके बाद है द हैंड डिप्ड इन कोल्ड वाटर विल फील द नॉर्मल वाटर एज वार्म. व्हाई इज इट सो दैट द सेम वाटर फील्स वार्म टू वन फिंगर एंड कूल टू द अदर. तो ऐसे क्यों होता है? एक्टिविटी शोज दैट द आइडेंटिफिकेशन एज हॉट एंड कोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ टच इज नॉट ऑलवेज करेक्ट. हम बाई टचिंग ऑलवेज करेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल वाटर नॉर्मल है, लेकिन अगर हम कंपेयर कर रहे हैं देन वो हॉट वाटर से तो ठंडा है और कोल्ड वाटर से गर्म है, जबकि टेम्परेचर नॉर्मल वाटर का सेम है. तो आप बाई टचिंग ऑलवेज जज नहीं कर सकते हैं किसी भी वाटर के टेम्परेचर को. इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ टच इज नॉट ऑलवेज करेक्ट एंड टच इज नॉट ए वेरी रिलायबल वे ऑफ मेजरिंग द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक हीट एंड टेम्परेचर. तो व्हाट इज हीट? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ वार्मथ और कोल्डनेस इन अस. किसी भी ऑब्जेक्ट की वार्मथ और कोल्डनेस जो डिफाइन करता है वो हीट डिफाइन करता है, और हीट एक तरह का एनर्जी का टाइप है. तो यहां हम पढ़ रहे हैं हीट के बारे में. फर्स्ट है हीट. तो हीट है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी की ही एक फॉर्म है जिसे हम हीट से डिनोट करते हैं. एंड सेकेंड पॉइंट, द वार्मथ एंड कोल्डनेस ऑफ any object is the result of heat. तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जितनी हीट होगी वो रिजल्ट होगा. रिजल्ट क्या होगा उसका? या तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट वार्म होगा अगर उसमें हीट ज्यादा है, और अगर हीट कम है तो कोल्डनेस हमें फील होगी. तो हीट के बारे में दो मेन टॉपिक हैं कि ये एनर्जी का ही एक फॉर्म है, और किसी भी ऑब्जेक्ट की वार्मथ या फिर उसका कोल्डनेस हम डिफाइन कर सकते हैं हीट से. इसके बाद बुक में देखिए, फॉर एग्जांपल व्हेन वी स्टैंड नियर द फायर. अगर हम किसी भी आग के साथ खड़े होते हैं और टच ए पॉट कैप्ड ऑन द गैस स्टोव वी फील ए सेंसेशन ऑफ हॉटनेस. अगर आप किसी भी गर्म चीज के पास खड़े होंगे तो आपको फील आएगा, वो एनर्जी आती है गर्म की, हीट की. इसके बाद सिमिलरली व्हेन वी टच एन आइस क्यूब वी फील कोल्डनेस बिकॉज एन ऑब्जेक्ट हॉट देन आवर हैंड रिसीव हीट फ्रॉम इट. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट या फायर के पास खड़े हैं तो वहां से हमें हीट आती है, एनर्जी आती है, जिसकी वजह से हमें वार्मथनेस जो होती है वो फील होती है. एंड कोल्ड व्हेन हीट पासिस फ्रॉम आवर हैंड टू द ऑब्जेक्ट. हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. हीट ए
एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर होती है. अगर हमें वार्म फील हो रही है दैट मीन हमें हम एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, हीट को रिसीव कर रहे हैं. और अगर हीट हमारी बॉडी से जाती है बाहर देन हमें कोल्डनेस फील होगी. तो ये जो हीट है वो ट्रांसफर है एनर्जी का. हीट इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर. तो बता चुकी हूं, अगर हम फायर के पास खड़े होते हैं तो हम वहां से फायर से जो हीट है, जो एनर्जी है वो रिसीव कर रहे हैं. दैट्स वाई हमें वार्मनेस फील होती है. और कोल्डनेस फील होने का मतलब है कि हमारी बॉडी से जो एनर्जी है, हीट है, वो निकल रही है, देन आपको कोल्डनेस फील होगा. इसके बाद है टेम्परेचर डिफरेंस. हीट इज मेजर्ड इन कैलोरीज और जूल्स. जो साइन होता है, जैसे हम मास को किलोग्राम में डिनोट करते हैं, और जैसे हम कोई भी दूध लाते हैं, मिल्क लाते हैं, उसको हम लीटर में डिनोट करते हैं, तो ये इसके यूनिट्स हैं. सिमिलरली हीट को जो होता है वो आप कैलोरीज या जूल में डिनोट करेंगे. फोर्थ पॉइंट ये आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. नाउ फोर्थ पॉइंट इज यूनिट ऑफ मेजरिंग हीट इज जूल बोलते हैं, तो इसका साइन जे होता है. और कैलोरीज भी लिख सकते हैं, क्योंकि कैलोरीज होती है एनर्जी के लिए, एनर्जी की यूनिट है, इसलिए इसको हम यूज में कर सकते हैं, क्योंकि हीट भी एड्रेटिक एनर्जी ही है. तो कैलोरीज भी लिख सकते हैं. मेनली जो हीट की जो यूनिट होती है वो जूल होती है. अगर आपको वन वर्ड पे आंसर देना हो कि व्हाट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, हम एनर्जी को सॉरी व्हाट इज यूनिट ऑफ हीट, अगर हम हीट को डिनोट करेंगे तो आप मेनली जूल लिखेंगे और साइन है जे. जैसे किलोग्राम का साइन होता है के जी, सिमिलरली जूल का साइन है जे. इसके बाद है सिंस ए मोर एक्यूरेट मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉट और कोल्ड वॉज नीडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर वॉज डेवलप्ड. तो इसके बाद हीट पढ़ने के बाद जो कॉन्सेप्ट आया वो टेम्परेचर का आया है. नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर. तो यहाँ हीट वाला टॉपिक अपना फिनिश होता है. हीट क्या है मैं रिवाइज करा देती हूँ. हीट एक फॉर्म है एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में. जो हम वार्मथ और कोल्डनेस फील करते हैं वो एनर्जी का ट्रांसफर है. अगर हम हीट रिसीव कर रहे हैं देन इट मीन वी विल फील वार्मनेस. और अगर हम हीट रिसीव नहीं कर रहे हैं, हम दे रहे हैं किसी को हीट, या अपनी बॉडी से डिक्रीज हो रही है हीट या एनर्जी, देन हम कोल्डनेस फील करेंगे. और जो यूनिट है हीट की दैट इज जूल और कैलोरी. मेन आप जूल लिखेंगे. और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा टेम्परेचर.